Rafu chakar 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 अबे क्या कर अबे आइडिया देख मेरा आइडिया ये देख ये चक्कर 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 कितना बड़ा है ना यार बंगला ना अरे बुन्नू दो माले की मिसाइल पप्पू नागिन के ऊपर नगीना चाची चैन चूसली अरे क्या हुआ चाचा जी शहनाई नहीं बज रही क्या अभी से हवा निकल गई मैडम मुझे मजाक पसंद नहीं है ऐसी शहनाई बजाता हूँ क्या कश्मीर में बजाऊं तो कन्याकुमारियों सुनाई देगी हाँ दो फुट तक तो सुनाई नहीं दे रही है जरा ठीक करिए जल्दी करिए अरे इसमें तो चुहिया फंसी गई है चुहिया तो इसे निकालिए ना आज अगर माँ जिंदा होती तो हमारी होने वाली बीवियों से थोड़ी छोटी होती यार याद है पप्पू एक बार जोशी ने कहा था कि हम बड़े होके बहुत बड़े आदमी बनेंगे साले का मतलब था कि हम बड़ी औरतों के आदमी बनेंगे यार पप्पू मैं अभी भी कहता हूँ पप्पा के पास लौट चलते हैं अरे पागल हो गया क्या ये दोनों आंटियां तो फिर भी वर्किंग कंडीशन में पापा तो गुस्से में हमारी शादी किसी रिटायर हुई बुढ़ियों से करा देंगे यार फांसी पर चढ़ जाने के लिए तैयार हो जा मेरे भाई लेकिन फांसी पे चढ़ाते वक्त तो काला कपड़ा पहनाते ना मेरे भाई हाँ इसे काला कपड़ा ही समझ ले हाँ चल मुझे भी पहना पप्पू रो मत चल ये पता नहीं क्या होगा यार नहीं यार मुझे बहुत डर लग रहा है मिली जुली अब ये रहे आपके कहाँ रह जाती हो तुम दोनों अरे आंटी शादी का मौसम है फूल मिले नहीं रहते हमें और ये भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं ठीक है ठीक नमस्कार मैंने कहा शादी यही हो रही है हाँ जी यही हो रही है मैं ठीक स्थान पर आ गया कितना लेट कर दिया पंडित जी चलिए शादी की तैयारी कीजिए ये पंडित जी कहाँ से आ गए अभी आना था बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी देख लिया तो लगता है इनको भी कहीं देखा है आइए आइए सर मोस्ट वेलकम काफी हैंडसम लग रहे हैं आप मुझसे कहा है आप दोनों आइए आइए सर